हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे क्लास सिक्स की एक्सरसाइज 1.2। ओके, एक्सरसाइज 1.1 हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 में कौन से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन फर्स्ट में। आपने अपनी बुक्स ओपन कर लेना अपने साथ। ठीक है, अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 डेज इन अ स्कूल। एक बुक एग्जीबिशन है, ठीक है, स्कूल में कितने दिनों के लिए? 4 डेज के लिए। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डेज। मतलब नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हो रही है काउंटर में 4 दिनों के लिए। कितनी कितनी? फर्स्ट डे में हमारी कितनी टिकट सोल्ड हुई है? 1094, मतलब 1094। ठीक है, सेकेंड डे में कितनी टिकट सोल्ड हुई है? 1812, मतलब 1812। ओके, थर्ड डे में 2050। एंड लास्ट डे में कितनी टिकट सोल्ड हुई है? 2751। अब क्वेश्चन क्या पुट किया है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज। इन 4 दिनों में कितने टिकट सोल्ड हुई हैं, आपको इनका सम निकालना है। ओके, चलिए आंसर देखते हैं। आंसर क्या है हमारा? अब देखना है कि हमारे फर्स्ट डे में कितने टिकट सोल्ड हुई है, तो हम क्या लिखेंगे? पहले नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे। कितनी सोल्ड हुई है फर्स्ट डे हमारे टिकट्स? यहां लिख लेते हैं हम इसको 1094। ओके, ऐसे ही सेम लिखना आपने सेकंड डे में कितनी सोल्ड हुई है। नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन द सेकंड डे कितनी सोल्ड हुई है? 1812। ओके, नंबर ऑफ टिकट्स sold on the third day. अब थर्ड डे कितनी सोल्ड हुई है टिकट्स हमारी? 2050. ओके, एंड लास्ट फोर्थ डे हमारी कितनी टिकट सोल्ड हुई है? नंबर ऑफ टिकट्स sold on the fourth day. This one 2751. Okay, ये 4 दिनों की टिकट सोल्ड हो गई। अभी करना है इनको एड ऑन करना, मतलब इनका सम निकालना है कि टोटल टिकट कितनी सोल्ड हुई है इन 4 डेज में। ओके, तो लो उन सबका प्लस 4, 2, 6, 1, 7, 9, 10, 5, 15, 20, 0, 8, 2, 10, 7, 17, 1, 2, 3, 3 or 2, 5, 5 or 2, 7, मतलब 7,707 टिकट जो है हमारी सोल्ड हुई है इन 4 दिनों में। ओके, क्या लिखना है इसको हमने? हेंस नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 डेज। फर्स्ट डे 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751 इज इक्वल टू 7707। दिस इज द कंप्लीट आंसर। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? और फर्स्ट क्या बोल रहे हैं? 4 दिनों की टिकट हमें दी हुई थी, हमने उनको फाइंड करना था इन 4 दिनों में कितनी टिकट सोल्ड हुई है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 7707। ओके, मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ठीक है, ही हैज सो फॉर स्कोर्ड
6980 रन्स इन द टेस्ट मैच. उसने काफी सारे मैचेस प्ले किए हैं, ठीक है, और उसने कितने रन्स बनाए हैं, 6980 रन्स उन्होंने टेस्ट मैचेस बनाए हैं. ओके, ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन. उसकी विश है कि वो कितने रन्स कंप्लीट करे, 10,000 रन्स वो कंप्लीट करे. ओके, हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड. अब उसको 10,000 रन्स कंप्लीट करने के लिए कितने रन्स की और जरूरत है, आपको ये फाइंड करना है. क्वेश्चन समझ आए क्या करना है? शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है, ओके, उसने कितने टेस्ट मैचेस खेले हैं, उसमें उसने कितने रन मारे हैं, 6980. ओके, अब वो क्या बोल रहा है, उसकी विश है कि उसको 10,000 रन्स जो है वो कंप्लीट करने हैं. 10,000 रन्स कंप्लीट करने के लिए उसको कितने रन्स की और जरूरत है, वो आपको फाइंड करना है. चलिए देखते हैं कैसा आंसर उसका. पहले हम शेखर स्कोर्ड 6980 रन्स. ओके, शेखर के स्कोर है कितने, 6980, 6980. ही वांट्स, कितने रन वो करना चाहता है, और ही वांट्स टू कंप्लीट 10,000 रन्स. ओके, देन नेक्स्ट, अब उसको 10,000 रन बनाने के लिए उसको कितने रन्स की और जरूरत है, हम कैसे फाइंड करेंगे. रन्स ही नीड्स टू स्कोर, क्या करेंगे, 10,000 में से माइनस कर देंगे जितने उसने टेस्ट मैचेस में स्कोर मारे हैं. 6980, 6980 उसने टेस्ट मैचेस में स्कोर मारे हैं. अब इसको माइनस करके जो आंसर आएगा 3020. ओके, मतलब उसको 3020 रन्स और चाहिए 10,000 कंप्लीट करने को. समझ आया क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा. हैंस ही नीड्स टू स्कोर 3020 रन्स मोर, मतलब उसको 10,000 कंप्लीट करने के लिए 3020 रन जो है वो उसको और जरूरत है. ओके, क्वेश्चन सेकंड समझ आया, वेरी इजी क्वेश्चंस. अब आप एक काम करना, साथ साथ क्वेश्चंस रीड करके और यहां से आंसर्स को समझ लेना और अपनी कॉपी में डायरी में नोट कर लेना. ओके, अगर आपको क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड समझ आए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और आगे शेयर करना आगे अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, ताकि वो भी इन वीडियोस का बेनिफिट ले सकें. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.